22 जनवरी को 550 साल का इतिहास बदलने जा रहा है। राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 जनवरी से यज्ञ और अनुष्ठान राम जन्मभूमि पर शुरू है। अलग अलग दिन अलग अलग यज्ञ और अनुष्ठान देश के चुनिंदा वेद पाठी और कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा कराए जा रहे हैं। अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग यजमान भी चयनित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस शुभ मुहूर्त में गर्भगृह में विराजमान रहेंगे, मौजूद रहेंगे। उनके साथ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या के कार्यक्रम पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लगभग 10:30 बजे अयोध्या पहुँच जाएंगे और 10:45 तक अयोध्या धाम की सीमा में वो प्रवेश करेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10:55 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो परिसर में प्रवेश करेंगे और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो कार्यक्रम दिया गया है वो आरक्षित रखा गया है। उसमें ये नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री यज्ञ और अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। एक विशेष पूजा होगी, उस विशेष पूजा को प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:05 से लेकर 12:55 के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है, यानी जब गर्भगृह में होगा उस समय प्रधानमंत्री 12:05 से लेकर 12:55 के बीच में गर्भगृह में मौजूद रहेंगे और 12:55 पर पूजा जब ये प्राण प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो यज्ञ स्थल है उस परिसर में प्रधानमंत्री आ जाएंगे। एक बार फिर से राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार को आपको दिखाता हूँ। हालांकि इस मुख्य द्वार के बगल में एक द्वार बनाया गया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। 1 बजे जो अंदर 8,000 से ज़्यादा जो मेहमान बुलाए गए हैं, जिन्हें आमंत्रित किया गया है, उन लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। ये वो कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का है, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उसमें हिस्सा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:15 पर राम जन्मभूमि क्षेत्र में कुबेर टीला के पास एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अत्यंत ही प्राचीन शिव मंदिर है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही उस शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पूरी तरीके से नहीं बताए जाते हैं सुरक्षा कारणों से और कोई भी कार्यक्रम अंतिम नहीं होता है और अंतिम समय में कई सारे कार्यक्रम बदल जाते हैं। अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सरयू में स्नान करेंगे, हनुमान गढ़ी जाएंगे और भी जो दूसरे यहाँ मंदिर और स्थान हैं क्या वहाँ भी दर्शन और पूजन करेंगे। लेकिन अयोध्या की मान्यता के मुताबिक सरयू स्नान करना, राम हनुमान गढ़ी में जाकर हनुमान जी का दर्शन कर राम जन्मभूमि तक आने के लिए आज्ञा लेने की एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि वैसे भी जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा कारणों से कई बार प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी जाती है। मोटे तौर पर यह है कि 10:25 से लेकर 10:30 के बीच में प्रधानमंत्री अयोध्या आ जाएंगे और लगभग 3 बजे तक वो राम जन्मभूमि परिसर में रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आमंत्रित अतिथियों के साथ वो संवाद भी करेंगे। उसके लिए 40 मिनट का समय तय किया गया है। वीडियो न्यूज़ अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।